हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के एक नए अपडेट के बारे में और एक नए फीचर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली अपडेट में एड ऑन कर दिया गया है। कुछ लोगों को ये पहले अपडेट में मिल गया था, तो ये क्या फीचर है, कैसे इसको यूज करेंगे, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है, आपको जाना है अपने मोबाइल के पहले प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। ये जो फीचर आया है दोस्तों फिलहाल बीटा टेस्टर के लिए आया है। अगर आप बीटा टेस्टर नहीं है तो हो सकता है ये फीचर आपको ना मिले, तो आपको इसको अपडेट करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो नया फीचर ये है, ऊपर आप देखेंगे सर्च विंडो के पास या बोल सकते हैं सर्च के पास आपको ये कैमरे का बटन नया मिल रहा है। पहले ये कैमरे का बटन आपको यहाँ पर मिलता था, ये देख रहे होंगे चैट्स के बगल में, जब आप स्वैप करेंगे तो आपको यहाँ पर कैमरे का बटन मिलता था, बट ये अब आपको ऊपर दे दिया गया। आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ मिल रहा है। ये ऊपर की तरफ मेरे पास तो इससे पहले वाले अपडेट में ही आ गया था, बट ये इसी अपडेट पर रोल आउट कर दिया गया है। इसका नाम है न्यू कैमरा शॉर्टकट। इसका रीजन ये है दोस्तों यहाँ देने का, यहाँ पर आप कम्युनिटी टैब वाला फीचर आने वाला है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो या बोल सकते हैं 2-3-4 वीडियो बना रखी है, जिसमें बताया है कम्युनिटी फीचर के बारे में। इसके चक्कर में उन्होंने यहाँ पर कम्युनिटी देंगे और वहाँ पर कैमरा टैब को ऊपर कर दिया गया है। इस कैमरा टैब का काम क्या है, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा और अगर आप कोई फोटो या कुछ भी क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप उसको यहाँ से डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फोटो क्लिक करी है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट पे तो आप यहाँ पर जिसको शेयर करना है वो शेयर कर सकते हैं, या अगर आपको स्टेटस पर डालना है तो आप यहाँ पर ऊपर से स्टेटस में भी इसको अपलोड कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे तो आप यहाँ पर एक ही बार में फोटो क्लिक करके सारी चीज़ें कर सकते हैं, किसी को शेयर भी करना हो शेयर भी कर सकते हैं और स्टेटस पर लगाना हो तो स्टेटस भी लगा सकते हैं। तो कमाल का ये वाला शॉर्टकट है, पहले भी था बट अब उसको बहुत ईजीली कर दिया गया। हमें बार बार कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा व्हाट्सअप को ओपन करो, सीधा व्हाट्सअप को ओपन करो और आपको यह कैमरे का शॉर्टकट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो ओपन हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रीवियस फोटो चाहिए तो आप यूं करके भी खोल सकते हैं। अगर आपको क्लिक करना हो तो सिंपल ये आप यहाँ पर क्लिक करें, आप चाहे फ्रंट कैमरे से भी कर सकते हैं, फ्रंट कैमरे से करना चाहें तो आप यहाँ पर फ्रंट कैमरे से भी फोटो को क्लिक कर सकते हैं। आपको फोटो को क्लिक कर लेना है, लाइक मैंने यहाँ फ्रंट कैमरे से क्लिक कर लिया। फोटो को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर राइट का निशान मिल रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है और ऊपर स्टेटस डाल सकते हैं। यहाँ पर किसी को शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। यही नया फीचर था व्हाट्सएप की तरफ से। और नए फीचर के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नया फीचर या बोलते हैं कि नया अपडेट आए आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूले, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।